ये देखो भाई, ये काम की लकड़ी है मेरी, बिल्कुल सूखी। चलो आज नाइट कैंपिंग पे चलते हैं। चलो गाइस, आज फिर से वही वाली लोकेशन है जो जहाँ पे पहले पिछली वाली कैंपिंग में लेपर्ड आया था। यहाँ पे विंटर सीजन और नाइट कैंपिंग। चलो दोस्तों, आज की लोकेशन यही रहने वाली है और आज मैं आया हूँ सोलो कैंपिंग में और देखता हूँ आज पिछली बार की लोकेशन जहाँ पे लेपर्ड मिला था मुझे यहाँ ऊपर। घंटी मिल गई है और घंटी मिल गई। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है, इस तरफ से धूप बाकी है अभी। तो अभी ऐसा करूँगा, टाइम तो मेरे पास काफ़ी है लेकिन लकड़ियाँ ढूंढूंगा पहले। ये देखो सनसेट, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी लकड़ियाँ इकट्ठी हो और उसके बाद मैं टेंट लगाऊंगा अपना। देखो भाई, ये काम की है बिल्कुल, इससे आग बढ़िया जलेगी मेरी। तो उठाता हूँ, ये देखो भाई, ये काम की लकड़ी है मेरी, बिल्कुल सूखी। गाइस, मैं यहाँ पे आया हूँ और ये देखो कुछ हड्डियाँ यहाँ पे पड़ी हुई है। पक्का ये होगा कि लेपर्ड ने मार रखी है चीज कोई, बहुत पुरानी हड्डियां देखो यहाँ पे। तो गाइस, मुझे पता है कि इस जगह पे थोड़ा रिस्क है और फिर भी मैं यहाँ पे आया हूँ। लकड़ियाँ इतनी इकट्ठी करूँगा कि रात भर चल जाए मेरी। और कुछ मैंने ये छिनती होती है ना, वो चीड़ का फल, तो वो इकट्ठी कर लिए। और अभी इसको निकालता हूँ, ये वाला थैला मेरा जो छंती है उसको भरने के काम आएगा ये। इतनी बकरियां मैंने इकट्ठी कर ली है। ये देखो गाइस, सनसेट होने वाला है और 2 मिनट में सनसेट हो जाएगा पूरा। और ये लकड़ियां इकट्ठी करी है और अभी लग चुकी है मुझे थकान, पानी पीता हूँ।
पे बहुत तगड़ी चल रही है। अभी ऐसा करता हूँ, फटाफट से आग जला लेता हूँ और उसके नहीं पहले टेंट पीस कर लेता हूँ, उसके बाद आग जलाऊंगा, क्योंकि टेंट पीस करने में थोड़ा अंधेरे में थोड़ा दिक्कतें हो जाती है। तो चलो लाइट की व्यवस्था और टेंट पीस करता हूँ। एक लाइट यहाँ पे लगा लूँगा और एक लाइट चूल्हे के ठीक दूसरी साइड में, तो बाकी मेरा यहाँ पे टेंट रहेगा। और पिछली बार जो लेपर्ड दिखा था वो उसी साइड में दिखा था, और उस साइड में लाइट का रहना बहुत ज़रूरी है। ये इस साइड में उजाला रहना ज़रूरी है। यहाँ पर टेंट लाइट लगाऊंगा ताकि अगर कुछ भी हरकतें हो, मतलब कोई भी चीज़ आ रही हो, जानवर, तो उसकी आंखें चमक जाएगी दूर से। तो यही सेफ्टी है, लाइट से काफ़ी दिख जाती है जानवर की कोई भी आंखें। बाबा तुम्हारे यहाँ चलती हो, हमारे यहाँ चलता क्वाब आ गए। सोने की व्यवस्था भी कर लेता हूँ, टाइम अभी काफ़ी है। चलो ये तो हो गया। तो दोस्तों अभी टाइम भी हो गया है आग जलाने का, और ये पहले का चूल्हा बनाया हुआ है, तो इसी में आज आग जलाऊंगा। ये देखो सही है। गहरा करना सही है, आग बढ़िया से। चलो दोस्तों आग जलाता हूँ। ये सूखी पत्ती सबसे बढ़िया होती है आग जलाने के लिए, इसका यूज करना बहुत जरूरी है क्योंकि हवा भी चल रही है। और इसके ऊपर एक शैंपी, ठीक है। अब आग चलेगी।
आग पे बैठने में सुकून आ रहा है अभी, थोड़ा कान वान सेक लेता हूँ। हवा बहुत जबरदस्त चल रही है यार आज, पता नहीं क्यों। बाबा अकेले नाइट कैंपिंग आसान नहीं है, तो गाइस रात का अभी 8 बज चुके हैं और चाय मैंने आज नहीं पी, चाय का सामान लाया नहीं हूँ और चाय का इतना शौक शौक भी नहीं है। चावल रख देता हूँ बस ज़्यादा ना हो, इतने बहुत हैं। चलो दोस्तों अभी चावल रख देता हूँ, आग सेकने का बहुत ज़बरदस्त मन कर रहा है लेकिन अभी टाइम भी हो गया है यार, नहीं तो मैं आग सेकता मज़े से। हो सके तो मुझे थोड़ा अलग से आग जलानी पड़ेगी, ये चूल्हा है ना इसमें कम लकड़ियाँ आएंगी और कम आग जलेगी, हो सकता है। अब देखता हूँ थोड़ी देर में साइड में आग जला लूँगा, सेफ्टी अपनी है भाई। और चीड़ की लकड़ियाँ सबसे बढ़िया होती है आग जलाने के लिए, अगर आपके पास सूखी लकड़ियाँ हैं तो आग बहुत ही शानदार जलती है। तो दोस्तों मेरे साइड में चावल अभी बनने वाले हैं, अभी फ़िलहाल अपनी कटिंग कर लेता हूँ जब तक चावल तैयार होता है, और चावल बनने में शायद हाँ एक मिनट लगेगा, तब तक मैं अपनी कटिंग कर लेता हूँ। अब चाकू सही बन गया है। आज क्या बनाने वाला हूँ आप लोग देखते जाओ बस क्या बनता है। चावल तैयार हो गया, इसको रख देते हैं साइड में और इसको चढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये कटिंग हो रखी है अभी, तो तेल डाल देते हैं। यस
भाई अब डर भी लगने लग गया है, इतना खतरनाक अंधेरा हो गया यार। नौ टाइम हो गया, चलो गाइस इसमें डालते हैं अंडे और आज बनेगा एग फ्राइड राइस। अंडे फूटे हुए पता है तो, लेकिन काम चल जाएगा। हल्का सा मसाला इसके साथ, थोड़ा सा नमक, तो गाइस ये चावल बनाया हुआ है इसके ऊपर डालूंगा और ये फ्राइड राइस बन जाएगा, एग फ्राइड राइस। थोड़ा यार गीला हो रखा है नीचे से, लेकिन मजा आएगा। गिर गया बर्तन, छोटा है ना तो गिर जा रहा है। आज रात का खाना दोस्तों यही होगा, गिर गया यार पता नहीं छोटा हो गया। दोस्तों ये खाना तैयार हो चुका है मेरा, अब ये काम रह गया है कि आग जलाऊं मैं। अब आपका अब तो यार मेरा खाना बन चुका है, अब तो मैं पूरी आग जला सकता हूँ। और इस आज मैंने चिकन नहीं बनाया है क्योंकि पिछली बार चिकन बनाया था, चिकन पकोड़े, तो इसी वजह से भाई यार लेपर्ड दिखा था, इस वजह से भी आज मैंने सोचा है कि अंडे बनाऊंगा क्योंकि सोलो कैंपिंग भी है। चलो अभी आग जलाते हैं। तो गाइस ये मेरी बोन फायर हो चुकी है और अब मैं इसके सहारे बैठ के यहाँ पे खाना खाऊंगा आराम से। ये वाला ना इसमें रख देता हूँ, इसी में खाऊंगा। चलो दोस्तों टेस्ट करता हूँ। अरे यार गिर गया, थोड़ा सा साइड में रखना पड़ता है, देवभूमि है तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं चीज़ें हैं भाई।
चलो यार अभी टेस्ट करता हूँ जस्ट टू। दोस्तों एकदम जबरदस्त है और थोड़ा सा इसमें मिर्च कम है लेकिन सही है। जो टेस्ट टेस्ट है ना, टेस्ट आना चाहिए था वो मेरे को मिल गया है मजे से। अटक चुके हैं मेरे, बिल्कुल खाने का मन भी नहीं कर रहा यार, ये मेरा खाना छूट गया। अभी साउंड कम हो गया है लेकिन ऐसा लग रहा है आसपास पिछली बार जहाँ से आवाज आई थी उसी साइड से आज भी आवाज आई। तो दोस्तों यार मैं सोने के लिए आ गया हूँ और अभी पता क्या है, डर तो लग रहा है लेकिन अभी लेटने का मन भी कर रहा है, आग भी जला लिया मैंने। बाकी मेरे पास मोटी मोटी सी लकड़ियाँ हैं उन्हें भी लगा देता हूँ और उसके बाद सोता हूँ आराम से अपना। सोता मतलब नींद तो आएगी नहीं, लेटा रहूँगा बस। दोस्तों आज क्या है कि यार मैं घर भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि अकेले भी आ रखा हूँ और अभी मेरे को लेटना पड़ेगा और नींद आएगी, सो जाऊंगा। बाकी यार रात सही रही तो कल सुबह मिलते हैं, ठीक है ना। स्लीपिंग बैग ओढ़ के मस्त करके अभी लेट जाता हूँ, नींद आएगी तो ठीक है, आग मेरी जल रही है बाहर पे, सो जाओ। हाँ अरे यार लाइट बंद कर दे तो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हो चुकी है सुबह और रात को डर भी लगा है। तो दोस्तों रात के 3 बजे से मैं आग जला रहा हूँ, 3 बजे मैंने आग जलाई थी और उसके बाद 3:30-4 बजे करीब फिर मैं अंदर आ गया टेंट के, उसके बाद फिर ये आग जलाई है मैंने। तो वो आग अभी तक जल रही है क्योंकि मोटी लकड़ियाँ लगाई थी मैंने और आवाज 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 जो इसी साइड से आ रही थी जब पिछली बार की तरह ना, तो वहाँ से आवाज आ रही थी जहाँ से पिछली बार लेपर्ड आया था, तो इस वजह से भी मुझे काफी डर लग रहा था। तो दोस्तों अभी पीता हूँ सुबह की चाय और ठंड भी ज्यादा है तो सुबह की चाय पीनी बहुत जरूरी है।
ठंड रुक जाएगी थोड़ा। एक बंदे के लिए बहुत है। चाय और चीनी इकट्ठी करके लाया हूँ। साथ में मैं करूंगा अपना सामान पैक। जबरदस्त ठंड है भाई। इतनी ठंड में यार चाय पीने का कुछ अलग ही मजा है। गैस चाय का मजा लेते हैं ठंड में। तो अब आया थोड़ा गर्मी और सामाना भी पैक करूंगा। और व्यू व्यू की बात करूँ तो माईकोटी गाँव ठीक सामने पड़ता है। आग मैं बुझा दूंगा यहाँ से। ठीक पता क्या है, इसे अगर आग लग गई ना और अगर ऐसे ये नीचे लुढ़क लुढ़कता हुआ निकल गया तो आग पूरे जंगल में फैल जाएगी। इसलिए आग बुझाना सही है। इसके ऊपर थोड़ा पत्थर रख देता हूँ जंगल में आग ना लगे। इसी के साथ अपनी पैकिंग भी पूरी हो चुकी है और देखो मैंने कचरा कचरा मैंने पूरा उठा लिया था। वैसे तो कचरा कर नहीं रखा था मैंने, साथ ही पूरा एरिया क्लीन बिल्कुल। अभी निकलते हैं घर। ये वाला एरिया था दोस्तों और एरिया मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। इस यहाँ से आई आ रही थी आवाज़ कल रात। और दूसरी साइड में जैसे कुछ गांव गांव दिख रहा होगा आप लोगों को, ये माईकुटी गांव है तो ये यहाँ से सामने दिखता है बिल्कुल। तो दोस्तों देखो कुछ किरणें पड़ रही है सूरज की और पहली पहली किरण है सुबह की। Thank you.
तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल के लिए बाय बाय, और मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ और कैंपिंग ब्लॉग के साथ।